शीतला प्रसाद सिंह बिसेन के छतई कला गांव स्थित उनके निजी निवास सूर्यवंश वत्स बिसेन निवास पर शनिवार को श्रीमद् भगवत कथा मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक प्रेस वार्ता हुई। लॉ ऑफ लेबर एडवाइजरी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पर्यावरण विद सतेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ बताया, आइए जानते हैं। जिस तरह से योगी जी और मोदी जी ने राम मंदिर को बनाने का संकल्प लिया था और हमारे पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी का एक इच्छा थी, दिल से इच्छा थी कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, तो उसी राम मंदिर के उपलक्ष में हम लोगों ने भी यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा है। जैसे कि सरकार का भी निर्देश है कि हर गांव में, हर कस्बे में, हर नगर में, जितने भी मोहल्ले में मंदिर हैं सभी में सजावट होनी चाहिए, सभी में पूजा पाठ होना चाहिए। उस दिन अयोध्या में भीड़ ना होके, सुरक्षा की दृष्टि से भी और भी कारणों से, वहाँ पर भीड़ ना होके आप अपने अपने मंदिरों में, ताकि पूरे प्रदेश में एक दिवाली मने, पूरे देश में एक दिवाली मने, ये उत्सव करने के लिए लोगों ने वो किया है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग इसको इसी क्रम में हम लोगों ने 15 तारीख से 22 तारीख तक हम लोगों ने प्रण किया है कि हम लोग यहाँ पे एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं और भागवत कथा के साथ में हम लोग यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर था हनुमानगढ़ी का, तो उसमें उसका जीर्णोद्धार करवाने के साथ हम लोगों ने उसमें नर्मदेश्वर शिवलिंग परिवार की स्थापना करवा रहे, साथ में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करवा रहे। और श्री राधा कृष्ण की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया है, जो कि वियतनाम के पत्थरों से बनी है। और जो यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा, अभिषेक के लिए पूरे देश से सभी नदियों का जल लाया गया है, आपके मानसरोवर झील से लेकर के और कन्याकुमारी तक, समुद्र से लेकर के गंगा सागर उधर, और गंगा, जमुना, सरस्वती, बाकी जितनी भी नदियाँ हैं सभी नदियों का जल लेकर के हम लोग उससे अभिषेक करेंगे। और मथुरा के जो हमारे भागवत कथा करेंगे स्वामी जी, वो मथुरा के श्री हिमेश शास्त्री जी महाराज हैं जो कि यहाँ पर भागवत कथा करेंगे। 7 दिन चलेगी भागवत और 8वें दिन भंडारा और अपना वो होगा, भंडारा और हवन होगा। इसके साथ में 15 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी जिसमें कि 151 महिलाएं कलश लेकर चलेंगी और उसी के साथ इसका शुभारंभ होगा कार्यक्रम का। स्थानीय लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? स्थानीय लोगों से मेरी अपील यही है कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर जुड़ें और जुड़कर इस कार्यक्रम के भागीदार बने और इस भागवत कथा को सुने। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें हमने 22 तारीख को, जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन हमने वहाँ के राम मंदिर का यहाँ पर डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट के लिए LED भी लगा रहे हैं, जो कि लाइव टेलीकास्ट करके यहाँ पर सबको दिखाया जाएगा। और इसके साथ ही शाम को आतिशबाजी की भी व्यवस्था है 22 तारीख को। दीपावली मनाई जी, पूरी दीपावली मनाई जाएगी, पूरी खुशियाँ, और हर घर में दीपक जले, हर घर में, ये यही हमारी सभी से अनुरोध है कि हर घर में दीपक जलाइए, क्योंकि 500 साल बाद भगवान राम अपनी जगह पर विराजमान हो रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही। और ये प्रोग्राम किस गांव में हो रहा है? ये छताई कला गांव है, सागर तहसील में, तहसील से 1.5 किलोमीटर है हमारा घर, यहीं पर ही हो रहा है, यहीं पर हमारा मंदिर भी है, वहीं पर ही प्रोग्राम हो रहा है। आज की जो यंग जनरेशन, इस अवसर पर अजय सिंह, दीपक सिंह, चतुर्भुज सिंह, राजेश पासवान, आनंद राजभर, सतई यादव, धीरेन्द्र कुमार सिंह, अजय सिंह, वीरेंद्र मौर्य, परसर नाथ मौर्य, श्रीनाथ मौर्य, अमन सिंह, प्रेम प्रकाश सिंह, दीपक सिंह सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए UV इंडिया न्यूज़।